नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन. एक्चुअली दिस कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय पॉलिंग सो एज टू नो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मोलिकुल्स. मे बी दैट मोलिकुल इज डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीएटोमिक मोलिकुल्स. सो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएटोमिक मोलिकुल्स एक्चुअली हाउ दैट स्ट्रक्चर फॉर्म्स एंड देर इज वेरी लेस रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन गिव्स द आइडिया अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. पिछले बार जो हमने स्ट्रक्चर कुछ डिस्कस किए थे ना, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ग्लोब में कैसी पॉसिबिलिटी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स की, ये जो हमने डिस्कस किया था वो स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं एक्चुअली. सो दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बॉन्ड. बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी कुछ कंसेप्ट है. एक्चुअली द कंसेप्ट इज दैट मोर ओवर द सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म. जितने कंबाइन होंगे उतने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, जितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे उतने उसी के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनेगा थ्री डायमेंशनल. और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि जो रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का वो मिनिमम होना चाहिए, जो बॉन्डिंग पेयर्स का रिपल्शन है वो मिनिमम होना चाहिए. सो दिस इज द कंसेप्ट. एक्चुअली जस्ट वी सी वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं. दिस इन बैकग्राउंड इफ वी विल राइट BeCl2, वी नो वेरी वेल एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग दिस. इन BeCl2 डेफिनेटली व्हाट इज देयर, सिंपल Be इज देयर विच इज सेंटर एटम एंड वी हैव द क्लोरीन. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको लिखते हैं हम सीधा सीधा एरेगॉन, है ना. एरेगॉन लिख सकते क्या? नो, एरेगॉन का 18 है ना, क्या लिखना पड़ेगा? नियॉन. नियर जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 10, बचे 7, मतलब पहले से दूसरी शेल खत्म हो गई, है ना. तो 3s2 और 3p5, ओके. एंड बेरिलियम वी नो, ये जो बेरिलियम है इस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बोलिए? एटॉमिक नंबर 4. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2, ओके. ये हो गया बैकग्राउंड में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो एक्चुअली जिस समय बेरिलियम को बेरियम क्लोराइड बनाना है उस समय बेरिलियम कैसे एक्ट करता है, जिस तरह हमारा ऐसा होता है ना कि हमको अगर एक काम करना है, जैसे किसी ऑफिस का काम करना है तो हम उस तरह से जाते हैं. किसी से टीचर से मिलने जाना है अपने, तो टीचर से मिलने थोड़ा इस हिसाब से जाते हैं. अगर किसी MP MLA सबको मिलने जाना है तो उस समय उस हिसाब से जाते हैं. तो द वे ऑफ अप्रोच टू द डिफरेंट टास्क इज डिफरेंट. सो दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. बेरिलियम को जब दो क्लोरीन के साथ मिक्स होना है तो बेरिलियम क्या होगा? वी नो दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या होगा? ग्राउंड स्टेट, हम इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, मतलब जैसे थी वैसे की वैसी. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज दिस 1s2 एंड 2s2. बट वी नो दैट दिस इज द फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकंड शेल. And once the electron enters in the second shell, it means that there is the remaining vacant orbitals. तो इसमें vacant orbital होंगे तो क्या होगा? 2s के बाद 2p, जिसमें electrons नहीं होंगे ना. तो electrons नहीं होंगे तो इसको हम लिखते समय कैसे लिख सकते हैं? We are discussing regarding the valence, बाहर के shell के shell के बारे में थोड़ा ध्यान रखना. और ये basic है अपना, इसको थोड़ा सा ध्यान दो. तो ये जो s orbital है, इस s orbital में दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो p ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं, यानी हम इस इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और यहाँ कुछ नहीं, ओके. सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम. जब बेरिलियम को
दो क्लोरीन के साथ कंबाइन होना है तो क्या करता है बेरियम, यहां का एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप होता है खाली वैलेंस ऑर्बिटल एंड दैट इज द एक्साइटेड स्टेट, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। सो अगेन दैट बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज ओनली दिस इलेक्ट्रॉन गेट जंप टू दिस फर्स्ट पी ऑर्बिटल, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो यहां का है ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, कुछ नहीं हुआ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया। अब देखेंगे दिस इज एस ऑर्बिटल, दिस इज 2s ऑर्बिटल, दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। वी नो द शेप ऑफ s ऑर्बिटल, द शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप हैविंग ओरिएंटेशन along all axis is same and the shape of p orbital is dumbbell shape, this is the dumbbell shape orbital of this p, aise ek spherical shape hai dumbbell shape, this is the px orbital, isme ek electron hai isme ek electron hai, to ye dono ke dono aapas mein mil jayenge same energy same number सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे, एक गोल वाला एक डंबेल वाला दोनों मिक्स होके ऐसा कोई नया स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशन में बनाएंगे जिससे जो भी बॉन्डिंग बनेगी उसमें रिपल्शन मिनिमम। तो ये दोनों मिलके जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग वन वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस रिमेनिंग इज अनहाइब्रिडाइज्ड, इधर जो बचेंगे दोनों वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसमें एस एंड पी, इसको बोलते हैं एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। जस्ट सी एक स्फेरिकल एक डंबेल ऐसे मिक्स होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो बिल्कुल ऐसे कुछ तो भी समथिंग डिफरेंट ऐसे बनेगा जिसमें रिपल्शन बहुत ही कम है। यहां दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। सो दिस इज एक्चुअली बेरिलियम व्हेन बेरिलियम वांट्स टू फॉर्म BeCl2। अब देखते हैं यहां पर दिस 3p ऑर्बिटल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, so this 3p contain 5 electrons means मालूम है यहाँ पर एक दो तीन चार पांच और 3pz contain 1 electron, so the shape of this 3p is again the shape of this 3p is dumbbell shape जिसमें एक electron है, ये chlorine ऐसे ऐसे दो chlorine ऐसे दो क्लोरीन मतलब दो 3pz ऑर्बिटल इसके साथ आके कंबाइन होंगे, ये पहले बन गया आ जाओ क्लोरीन अभी, एक इनसाइड से आएगा क्लोरीन ये वाला इससे आएगा से, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था एक्सिस टू एक्सिस और लेपिंग और एक इस साइड से आएगा एक्सिस टू एक्सिस और लेपिंग। तो ये दोनों क्या है, दिस इज क्लोरीन दिस इज क्लोरीन और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना ना, तो एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग से बना सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या हुआ ये जो बॉन्डिंग होगी इनके बीच की ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड बन ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड की जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल ऐसे दूर, तो इसका इसका रिपल्शन का कोई इश्यू नहीं क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का इसका लीनियर स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर बन गया लीनियर, ये हो गया BeCl2 का स्ट्रक्चर, इसको लिखते हैं BeCl2 लीनियर स्ट्रक्चर हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसा Bn3, यानी इसमें बोरॉन को
अगर ये बोरॉन को तीन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होना है तो बोरॉन क्या करेगा, बोरॉन कैसे बिहेव करेगा, कैसे इंटरनल ऐसे अरेंजमेंट कैसे होगी इसकी। तो बोरॉन उनको पता है कि बोरॉन के सराउंडिंग में तीन, तो अपन क्या करते हैं इधर वन बाय वन लेते हैं। जैसा ग्राउंड स्टेट में एक्चुअली बोरॉन कैसे है, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1, पांच है ना, तो 1s2 2s2 एंड 2p1। यानी बाहर की शैली को देखेंगे हम। इफ यू सी आउटर मोशन, बाहर की शैली को देखेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है एस में और यहां पी में एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन तीन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होने के लिए तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी शेयरिंग होगी ना। तो क्या होता है इसमें, एक्साइटेड स्टेट में दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू द वैकेंट ऑर्बिट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एक्साइटेड स्टेट इज लाइक दिस। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ देयर इज थ्री अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पता है अपने को कि दिस इज 2s, दिस इज 2px, दिस इज 2py। अगेन वी नो द शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, ओरिएंटेड अलोंग ऑल द एक्सिस, सबको पता है। एंड द शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डंबल शेप, तो ये डंबल शेप होगा, ये एक एक ऐसा डंबल होगा तो एक दूसरा डंबल होगा ऐसे। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, दीज थ्री ऑर्बिटल्स 1s and 2p again having same energy, same shell, same energy, and remaining this is unhybridized orbital, this is unhybridized orbital, this three orbital 1s and 2p orbital having 1-1 electrons in each, they mix with each other, one spherical and two dumbbell, two spherical, एक स्पेरिकल और दो डंबल, ये दोनों मिक्स होंगे। तो सोचो एक गोल वाला और दो डंबल वाले ऐसे मिक्स होंगे, तो थ्री डायमेंशन में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, क्या कैसा रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके एटॉमिक ऑर्बिटल का, कि बॉन्डिंग जब भी होगी तो बॉन्डिंग में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डेड पेयर्स का रिपल्शन कम होगा, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इसमें क्या होता है कि तीन है, तो तीन, ये दो और ये एक और ये दो, ऐसे टोटल तीन, इनका स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, तीनों एक्सिस में बराबर, थ्री डायमेंशन में बराबर, बिल्कुल रिपल्शन में, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लैनर, ट्रायंगुलर प्लेन में होने इसलिए प्लैनर बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर। बट व्हेन दिस थ्री फ्लोरीन कम्स, तो थ्री फ्लोरीन कैसे आते हैं, जैसे फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5, अगेन सेम 2p5 means outermost shell contain 5 electrons, ये पांच जो इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पांच, यानी 2pz orbital which is dumbbell shape contain 1 electron, तो ये भी dumbbell shape orbital होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे तीन फ्लोरीन, ऐसे तीन फ्लोरीन, ये दिस टाइप ऑफ 2pz ऑर्बिटल ऑफ थ्री फ्लोरीन व्हेन ओवरलैप विद दिस sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन वी विल गेट द स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो समझो, ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, ये तो है बोरॉन का स्ट्रक्चर, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और ऐसे तीन, तीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, ऐसे आएगा
स्ट्रक्चर है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इसका है, दो इलेक्ट्रॉन एक इसका एक इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्ट एवरी वेयर देर इज द डायरेक्ट ओवरलैपिंग टू दिस सिग्मा बॉन्ड. सो व्हाट इज देयर, ये था बोरॉन, ये था फ्लोरीन, ये था फ्लोरीन, ये था फ्लोरीन. इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसे बना ऐसा ही ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर. तो बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर होगा. सो यस पी टू एक यस और दो पी ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ये ध्यान रखना है. तो दिस इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन.